हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बेसिक हैंड स्टिचेस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में टेम्परेरी हैंड स्टिचेस और परमानेंट हैंड स्टिचेस के बारे में जाना कि टेम्परेरी हैंड स्टिचेस कैसे होती हैं, किस तरीके से उनको किया जाता है, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, और उसी तरीके से परमानेंट हैंड स्टिचेस के बारे में भी हमने उसके जो भी टेक्निकल नाम है उनके बारे में जाना कि कौन कौन से ऐसे स्टिचेस हैं जो आपके परमानेंट हैंड स्टिचेस में आती है, एक तरीके से वो डेकोरेटिव का काम भी करती है। तो हमने उसकी पूरी डिटेलिंग देखी कि आपके टेम्परेरी हैंड स्टिचेस जो होते हैं उसके अंदर आपके कौन कौन सी स्टिचेस आती हैं, जैसे इवन और अनइवन स्टिचेस हो गई, पिन स्टिचेस हो गई, उसके गाइडलाइंस के बारे में जाना, और उसी तरीके से हमने परमानेंट हैंड स्टिचेस में रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, हेमिंग, ओवर हैंडिंग, इन सब के बारे में पूरी डिटेलिंग में पढ़ा था। उसी तरीके से आज जो हमारा बेसिक हैंड स्टिचेस का पार्ट थर्ड है उसके अंदर हम डेकोरेटिव हैंड स्टिचेस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो भी आपके स्टिचेस होते हैं उनको आप यूज करके डेकोरेटिव स्टिचेस में कौन से आते हैं आपके, कैसे आप बेसिक हैंड स्टिचेस का यूज करके अपने किसी भी फैब्रिक को सुंदर बना सकते हैं, उसके अंदर एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी स्टिचेस होती हैं जिनका यूज करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो उनके कुछ टेक्निकल नाम्स हैं, भले ही आपको वो स्टिचेस जरूर आती होगी लेकिन उनके नाम आपको आसानी से यहाँ पर आप उसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डेकोरेटिव हैंड स्टिच से। पिछले वीडियोस में हमने टेम्परेरी हैंड स्टिच और परमानेंट हैंड स्टिच के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम डेकोरेटिव हैंड स्टिचेस के बारे में जानेंगे कि डेकोरेटिव स्टिचेस कौन कौन सी होती हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। जो भी आपके डेकोरेटिव स्टिचेस होती हैं उनका यूज करके आप किसी भी गार्मेंट को आसानी से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर उसके जो उसका लुक है उसको चेंज कर सकते हैं। जो आपके स्टिचेस हैं, जैसे आप हाथों के ही द्वारा सिर्फ थ्रेड को चेंज करके कैसे आप एक ड्रेस को सुंदर बना सकते हैं, ये जो स्टिचेस हैं इनका यूज करके आप आसानी से किसी भी गार्मेंट को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। जैसे आपके बटन होल स्टिचेस हो गया, ब्लैंकेट स्टिच हो गया, हेरिंग बॉन हो गया, स्मोकिंग हो गया, एप्लिक वर्क का यूज करके भी आप बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर सकते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडरीज का यूज करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बटन होल स्टिचेस के बारे में जानेंगे कि उसका यूज करके कैसे आप किसी ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमारा डेकोरेटिव स्टिचेस में सबसे पहला पॉइंट है बटन होल स्टिचेस। बटन होल स्टिचेस जो होते हैं वो आपके जो भी बटन होल स्टिच है उनके लिए यूज किया जाता है। ये आपके जो भी बटन होल होते हैं उनको फिनिश करने के लिए जो भी उसके किनारे निकलते रहते हैं, उसके जो धागे निकलते हैं उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके किसी भी फैब्रिक के अगर साइड एरिया निकल रहा हो या फिर कहीं से धागे निकल रहे हो तो आप इसका यूज करके आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं, और एक तरीके से ये डेकोरेटिव इफेक्ट भी देते हैं। जो भी आपके टेबल लिनन के कच्चे किनारे होते हैं उनको भी फिनिशिंग देने के लिए आप बटन होल स्टिचेस का यूज कर सकते हैं। ये जो स्टिच होती है ये आपके लूप स्टिच होती है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि इसके जो टॉप एरिया होता है वहां पर क्या होता है कि गांठ होती है। जैसे ही आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो जो उसका अपर वाला एरिया होगा, मतलब टॉप वाला जो एरिया होगा, वहां पर एक तरीके से गांठ शो होगी। इसे आप जो भी लूप्स वाले स्टिचेस होते हैं उन्हीं की तरह तैयार किया जाता है, और जो इनके नोट्स होते हैं उनको फिनिश करने के लिए जो भी उसके साइड वाला एरिया होता है उसको मजबूती देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो अपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे गांठ होते हैं, मतलब छोटे से ही गांठ शो होते हैं। अगर इसके अंदर क्या बीच में ही अगर धागा टूट जाए तो इसे खोलना या फिर इसको सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका यूज जो है वो आप किसी भी एज वाले किनारे, मतलब जो किनारे वाले एरिया होते हैं उनको फिनिश करने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप इसका यूज किसी मल्टी कलर के धागे से करते हैं तो भी बहुत ही अट्रैक्टिव शो होता है। अगर आप इसका यूज बटन होल के जो किनारे होते हैं उनको फिनिश करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फैब्रिक हो जिसके धागे निकल रहे हो तो वहां पर भी इसकी फिनिशिंग के लिए आप बटन होल स्टिचेस का यूज करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जैसे आपका जो कट वर्क होता है वहां पर भी आप बटन होल स्टिचेस का यूज करके आसानी से उसे डेकोरेटिव बना सकते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी वाला एरिया होता है वहां पर, और इसके अंदर मल्टी कलर का यूज, जैसे चाहे तो आप साटन का यूज कर, साटन थ्रेड का
का यूज करके या फिर कॉटन थ्रेड में ही जो आपके मल्टी कलर आते हैं उनका यूज करके भी आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करके एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिचेस का यूज आप डेकोरेटिव तौर पे भी कर सकते हैं या फिर जो भी एजेस होते हैं मतलब जो उसके किसी भी फैब्रिक के जो साइड वाला एरिया होता है उसकी फिनिशिंग के लिए, आउटलाइन के लिए या फिर जो भी उसके फर निकलते हैं उनको रोकने के लिए भी कर सकते हैं या फिर जो भी आपके फैब्रिक की एरिया होता है वो खत्म ना हो, जैसे धागे निकलना स्टार्ट ना हो, उसके लिए भी आप ब्लैंकेट स्टिच का यूज कर सकते हैं। ब्लैंकेट स्टिचेस जो होती है वो आपके सेम बटन होल स्टिच की तरह ही शो होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपके बटन होल स्टिचेस होते हैं उनके ऊपर जो टॉप एरिया होता है वहां पर गांठे शो होती है, इसके अंदर आपकी कोई भी गांठ शो नहीं होती है। इसके अंदर जो भी लूप्स तैयार करने होते हैं वो आपके जो निडल होती है उसे आप लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से बटन होल स्टिचेस की तरह ही शो होती है, लेकिन क्या होता है कि इसके टॉप पर कोई भी गांठ नहीं होती है, तो इसलिए इसको जो खोलना हो या फिर इसे तोड़ना हो तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इसकी कोई भी गलती हो जाए या फिर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं और जो वो एरिया है उसे आसानी से सुलझा भी सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको उस एरिया की मजबूती करनी होती है तो क्या करते हैं, बटन होल स्टिच की तरह ही इसको वैक्स्ड किया जाता है ताकि ये मजबूत भी रहे और आपका जहां से भी आपका थ्रेड है वो निकले भी ना और आपका एक तरीके से डेकोरेटिव भी शो हो जाए। इसकी जो स्टिचेस होती है जैसे आपके बटन होल स्टिच होती है वो बहुत ही पास पास में होती है, लेकिन जो ब्लैंकेट स्टिच होती है वो थोड़ा सा गैप दे देकर तैयार की जाती है। और जैसा कि इसमें बताई गई है कि आपके जो भी बटन होल स्टिच होती है उसके अंदर नोट्स लगे होते हैं, मतलब जो आपके ऊपर गांठी होती है लेकिन इसके अंदर कोई गांठ नहीं होती, जो नीचे वाला एरिया होता है जहां पर आपकी स्टिचेस होती है बस ये कंटिन्यू चलती रहती है। फिर आता है हमारा हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन स्टिच जो होता है वो आपके फलन एंड फैब्रिक्स होते हैं, जो भी आपका हैवी मटेरियल होता है उसके जो साइड वाला एरिया होता है जो उसका उसको क्लीन करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए हेरिंग बोन स्टिच का यूज किया जाता है। जब भी इसका यूज किया जाता है तो क्या होता है कि आप इसको जब भी प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये जो भी वो एरिया है उसको फ्लैट कर देगा और ये जो आपके हेरिंग बोन स्टिच होता है ये आपके जो दो एरिया होते हैं उनको कवर करने के लिए या फिर उनको सही करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी उनके जैसे कोई भी एरिया कच्चा है या फिर कहीं से धागे निकल रहे हैं तब आप हेरिंग बोन का यूज करके आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। और ये आपके जो भी गारमेंट होते हैं उनके जो साइड वाला एरिया है उसको भी आप कवर करने के लिए कर सकते हैं। आपके परिधान को पकड़ता है मतलब कैचिंग करता है जहां से भी कोई थ्रेड निकल रहा हो उसको फिनिश करने के लिए। फिर आती है हमारी स्मोकिंग। स्मोकिंग स्टिच का यूज हम एक तरीके से किसी भी फैब्रिक को डेकोरेट करने के लिए या फिर किसी भी गारमेंट में जैसे बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं फ्रॉक्स वगैरह उनमें भी हम इसका यूज करके आसानी से उस गारमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपके एक तरीके से गैदर का ही लुक देता है। स्मोकिंग जो है वो आपके डेकोरेटिव स्टिच है जो आपके जो भी गैदर एरिया होता है उस पर की जाती है। किसी भी फैब्रिक को गैदर देना ही एक तरीके से सबसे पहला स्टेप है आपके स्मोकिंग का। और जो भी आपके हैंड स्टिचेस होती है जो आपके हैंड की निडल होती है उस बास्टिंग करके ही आप उसको आसानी से गैदर्स दे सकते हैं। जो भी बास्टिंग की जाती है आपके जो भी रो होते हैं उन पे बास्टिंग की जाती है वो एक तरीके से मजबूत नहीं होती लेकिन फिर भी उसके जो एजेस होते हैं मतलब जो उसके साइड वाले किनारे होते हैं या फिर जहां पर भी हमको स्मोकिंग करनी है वो उसको क्या करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। जो गैदर्स होते हैं मतलब जो स्मोकिंग है उसका यूज आप डॉटेड फैब्रिक्स या फिर चेक्स वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उन पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो इसके स्टिचेस है वो कई तरीके से यूज किए जाते हैं, मतलब जो डेकोरेटिव स्टिचेस है उनका यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपके आउटलाइन स्टिचेस होते हैं, कैबिन स्टिचेस हो गए, वेव स्टिचेस हो गए, डायमंड और चैफ्रॉन स्टिचेस हो गए और हनीकॉम स्टिच होते हैं या फिर और भी ऐसे ही अलग अलग नाम के स्टिचेस होते हैं जिनका यूज करके आप आसानी से स्मोकिंग कर सकते हैं। ये आपके किसी भी फैब्रिक पे की जा सकती है, चाहे तो आप डॉटेड पे करिए, चेक पे करिए, सिल्क पे करिए
या फिर जो शार्टन वाले फैब्रिक्स होते हैं उनपे भी अगर आप स्मोकिंग करते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और आपके जैसे कुशन वाले फैब्रिक्स होते हैं, कुशन अगर आपको तैयार करना है उसमें भी हम स्मोकिंग का यूज करके आसानी से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेटिव जो होता है वो आपके, अगर आप गैदर्स का यूज कर रहे हैं तो वो भी आपकी स्मोकिंग में ही आता है। किसी भी फैब्रिक को इकट्ठा करना एक तरीके से स्मोकिंग ही कहलाता है। गैदर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि किसी, जैसे आपके ये हैंड से भी किए जा सकते हैं, मशीन से भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक हैंड स्टिचेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके जो गैदर्स है वो हैंड से ही किए जाएंगे। तो आप आसानी से टांकों का यूज करके, जो भी आपकी बास्टिंग या इवन बास्टिंग हो गई, इसका यूज करके आप आसानी से गैदर कर सकते हैं और किसी भी गार्मेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है हमारा एप्लिक। एप्लिक वर्क जो होता है वो आपके किसी भी गार्मेंट को, अगर आप उसके अंदर कोई भी डिजाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप आसानी से एप्लिक वर्क का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी छोटे छोटे फैब्रिक के पीसेस ले लीजिए और उसको क्या करिए, आपके जो भी बड़ा फैब्रिक है या फिर जो भी आपका गार्मेंट है उसके ऊपर आप उसको अटैच कर सकते हैं, एक तरीके से एप्लिक वर्क कर सकते हैं। जो भी आपके छोटे पीसेस हैं उनको आप अगर किसी गार्मेंट पे या फिर किसी बड़े फैब्रिक्स पे अटैच कर रहे हैं तो वो एक तरीके से आपका एप्लिक वर्क कहलाता है। ये जो डिजाइन होता है ये आपके कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक को अगर आप छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, जैसे फ्लावर की शेप में कट कर लिया, कोई कार्टून की शेप में कट करके, और फिर जो भी आपका प्लेन फैब्रिक है उस पे आप उसको ऐड कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर आप उसको जोड़ देते हैं, तो वो भी आपका एक तरीके से एप्लिक वर्क कहलाता है। एप्लिक वर्क के लिए जो सबसे कॉमन हैंड स्टिचेस का यूज किया जाता है वो है आपके बटन होल स्टिचेस। आप इसका यूज करके आसानी से एप्लिक वर्क कर सकते हैं। अगर आप उसके जो साइड वाले किनारे हैं उनको शो करना चाहते हैं या अगर आप उनको नहीं शो करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आप एप्लिक वर्क को मशीन के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब मशीन से जोड़ना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके रनिंग स्टिच का यूज किया जाता है या फिर आपके जिगजैग स्टिच का यूज करके आप आसानी से एप्लिक वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपने फैब्रिक ऐड किया है अगर उसके ज्यादा थ्रेड्स निकलते हैं तो आप उसे फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, और नहीं तो बटन होल्स के जो बारीक वाला एरिया तो उसका यूज करके आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप उसके एजेस को शो करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दूर लेकर के या फिर रनिंग स्टिच का यूज करके भी आसानी से आप एप्लिक वर्क कर सकते हैं। इसका यूज आप किसी भी फैब्रिक पे कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसके ऊपर आप जो प्लेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो उसके ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस को कट करके आप आसानी से उसे डिजाइन दे सकते हैं, एक नया लुक दे सकते हैं, या फिर कोई भी अल्फाबेट्स का यूज करके भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। चाहे तो बच्चों के जो गार्मेंट्स होते हैं उनके अंदर भी पैचेस का यूज करके आसानी से उसे तैयार किया जा सकता है। लास्ट आता है हमारा एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो आपके हाथों के थ्रू भी और मशीन के, दोनों के तरीके से किया जा सकता है, और इसके अंदर कुछ बेसिक स्टिचेस होते हैं जिनका यूज करके आप आसानी से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। जैसे आपके स्टीम स्टिचेस हो गए, चेन स्टिच हो गए, फ्रेंच नोट हो गया, बुलियन नोट हो गया, हेरिंग बोन स्टिचेस हो गए, फेदर्स हो गए, और काउचिंग, और भी ऐसे स्टिचेस है जिनका यूज करके आप आसानी से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इन सभी स्टिचेस का यूज करके आप किसी भी ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किसी भी गार्मेंट को अगर आप सुंदर दिखाना चाहते हैं, उसके डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं, किसी भी पुराने गार्मेंट्स को भी अगर आप उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज देकर के उसे नया लुक देना चाहते हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी का यूज करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। या फिर किसी भी ड्रेस को हैवी करना चाहते हैं तो भी आप एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करके तैयार कर सकते हैं। ये आपके हाथों के थ्रू और मशीन दोनों से किए जा सकते हैं। अगर आप हैंड स्टिचेस का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे हेरिंग बोन हो गया, फेदर स्मोकिंग हो गई और एप्लिक वर्क हो गया, इनका यूज करके आप आसानी से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और अगर आप मशीन का यूज कर रहे हैं तो जिगजैग, रनिंग, बैक, इन सब का यूज करके आप आसानी से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल जो भी फैब्रिक्स आते हैं उनके अंदर चाहे छोटा ही सही पर एम्ब्रॉयडरी जरूर की जाती है। जैसे आपके नॉर्मल स्टिचेस जो होते हैं, चेन स्टिचेस और स्टीम स्टिचेस का यूज करके आसानी से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अगर आपका कोई भी सिंपल फैब्रिक है तो उसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर बुलियन नोट बना करके अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, तो उसको आप अट्रैक्टिव कर सकते हैं। या फिर कोई आपका प्लेन फैब्रिक है तो उसके अंदर भी आप डिजाइन कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपके फैब्रिक पे ही या फिर किसी गारमेंट पे ही नहीं, आप चाहें तो बेडशीट पर, पिलोज पर, कुशंस पर, इन सब पे भी
आप एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में हमने बेसिक हैंड स्टिचेस के डेकोरेटिव हैंड स्टिच के बारे में जाना कि किस तरीके से हम किसी भी ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके डिजाइन को एम्ब्रॉयडरी के थ्रू या फिर कुछ डिफरेंट स्टिचेस का यूज करके हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी इससे रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं और इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं वो आसानी से इस सब चीजों को समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।